साथी हैं, बहुत मौजूद हैं, गणमान्य हैं, दिल से सम्मान करते हुए सभी का। मेरे साथ आए हुए मुस्लिम एकता मंच के चेयरमैन हाजी सज्जाद खान, भारतीय भीम सेना के मुस्लिम विंग, अल्पसंख्यक विंग, मुस्लिम भीम सेना के साथी, चेयरमैन साहब के साथ आए हुए मुस्लिम जनप्रतिनिधि, अखिल भारतीय भीम सेना के राष्ट्रीय प्रभारी भाई अनिल तंवर जी, श्रीनिवास तंवर जी, ईश्वर सिंह जी, राहुल, राकेश, सोमवीर, सभी साथियों का नाम ना ले पाऊं समझ चाहूंगा मैं। सभी को एक उम्मीद जो आपकी नजरों में भी यहां नजर आ रही है और मेरी नजरों में भी नजर आ रही है कि कहीं सांसें जो है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सांसें इस जीवन में सबसे कीमती होती हैं। हवा चाहिए सांस लेने के लिए, कोई जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन बहुत है। खाने के लिए रोटी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, बिना खाए हुए आदमी 15 दिन 20 दिन महीना हॉस्पिटल में ले सकता है। सांसें लेनी चाहिए, बस सांसें आनी चाहिए। और जो अब तक जो बातें सामने आ रही हैं उन बातों के ऊपर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, बहुत जरूरी है। मैं सम्मान व्यक्त करता हूं जिन साथियों ने मुझे टाइम दिया। सांसें जो है ना, देश में मुसलमान रह रहा है, मुसलमान हिंदू से अलग हटके मुसलमान है, और हिंदू से अलग हटके तो दलित भी है, दलित भी हिंदू नहीं है, बना दिया गया है गुलाम बनाने के लिए जो उनकी सेवा करे, इसलिए हिंदू दलित को हिंदू बनाया गया। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, नीले वालों का राज आ रहा है, अब वक्त बदल रहा है, नीले वालों का राज आ रहा है, तभी दिखाई दे रहा है, बदलाव हो रहा है। और भी कम्युनिटी है हिंदू से अलग हटके जो गैर हिंदू होते हैं, पर पूरे देश के मुसलमानों की बात करूं ना, पूरे देश भर के मुसलमानों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांसों के बराबर हैं, सांसों के बराबर हैं। अगर बाबा साहब ना हो तो देश भर के मुसलमान सांस नहीं ले सकते इस भारत देश में, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में धर्म निरपेक्षता का अधिकार आप सबको दे दिया है। एक मजबूत स्तंभ गाड़ने की देर है बस, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कर दिया काम, और देश का दलित समाज संघर्ष कर रहा है। मनुवादियों को हम फूटी आंख नहीं सुहाते, क्योंकि हम वो नीले आतंकवादी हैं जो मनुवादियों की नजरों में हम नीले आतंकवादी हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का संदेश देने वाले हम वो कोरोना का संदेश देने वाले लोग हैं। सम्राट अशोक के वंशज हैं। अभी तक ये बातें सामने आ रही थी, मुख्य बात करूंगा मैं कि सरपंच साहब है यूसुफ खान जी, जिनके कर कमलों से बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया, और पूर्व सरपंच श्री फारूक मोहम्मद जी, हमारी विकास नगर कमेटी और हमारे यहाँ के तमाम साथी, विशेष सहयोगी जयप्रकाश जी, सभी की मौजूदगी में हुआ। 14 अप्रैल बाबा साहब जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के मौके पर 2018 में हुआ। और लेकिन आज ये ऐसा क्या हो गया जी, विवाद पैदा हो गया। हम बहुजन समाज के युवा क्रांतिकारी भीम सेना के साथी, हम इस विवाद को दूर कराने के लिए आए हैं। अभी चेयरमैन साहब की, मुस्लिम एकता मंच के चेयरमैन है, चेयरमैन साहब की बात हुई है। मनोज चौधरी जी बसपा के जिलाध्यक्ष हैं, सम्मान व्यक्त करता हूं। बात हो रही है चेयरमैन साहब की सरपंच साहब से, उनकी एक शिकायत है कि जी मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई, सरपंच साहब गलत कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। मेरे यहाँ के अपने भाई हैं, यहाँ के बासिंदे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, सरपंच साहब यहाँ आने को तैयार है, उनको यहाँ बुला लिया जाए। वो इस विवाद को दूर कराना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, प्रतिमा को हाथ नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, और हमारी औकात भी नहीं है हाथ लगाने की, वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो उनको बुलाया जाना चाहिए। पंचायत का एक मेन उद्देश्य होता है विवाद को, इसको समाप्त किया जाए। जमीन हमारी है भाई, एक इंच भी नहीं छोड़ेंगे। जब सीए एनआरसी पर उठा नहीं रहे, लेकिन मैंने भी सूचना भेजी है जनाब उनको, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं आपको, अभी सूचना भेजिए। चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, 2-4 साथियों से और रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सरपंच साहब के पास जाया जाए। अगर वो नहीं आएंगे तो गलत है, अगर वो नहीं आएंगे तो अपनी जगह गलत है। पूरा देश आज जवाब मांग रहा है, एक दलित समाजी जवाब नहीं मांग रहा, एक हम ही जवाब नहीं मांग रहे, पूरा देश जवाब मांग रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं मुस्लिम समाज में, बहुत सम्मानित साथी आए हुए हैं, अबू बकर जी भी आए हुए हैं, वो मेरे कहने से रुक गए जा रहे थे,
तो जवाब मांग रहे हैं कि मुसलमान बाबा साहब का कदापि विरोध नहीं करेगा। शाहीन बाग में हम भी मौजूद थे, बाबा साहब के चेहरे पर ही, बाबा साहब के सहारे पर ही वो आंदोलन लड़ा गया था। और सीएनआरसी पर जब अमित शाह एक कदम पीछे नहीं हट सकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कदम पीछे नहीं हट सकता, हम तो बाबा साहब के शेर है, हम तो सवा इंच भी पीछे नहीं हटेंगे जी। जमीन जो हमारी है, जितनी एलोकेटेड की गई है पंचायत के द्वारा, हमारी है भाई, लाशें बिछ जाएंगी पर जमीन को नहीं छूटे, कुर्बानी दे देंगे हम अपनी, जमीन नहीं छोड़ेंगे। रही बात बाबा साहब की प्रतिमा की, मेरे तमाम सम्मानित साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब की आलिशान मूर्ति बनाओ भाई, पूरा सहयोग करेंगे जितना बन पड़ेगा। सरकार की तरफ से सरपंच साहब कह रहे हैं कि ग्रांट वरांट हम करवा रहे हैं, भाई ग्रांट की जरूरत नहीं है, इतने सक्षम है हम कर सकते हैं, लेकिन ग्रांट करवा रहे हैं साहब, यहां के जवाब तो दे, यहां के जवाब दे। अभी सूचना भेजी गई है, फोन नहीं उठा रहे हैं बताया है, लेकिन अभी फिर दोबारा से सूचना भिजवाई जा रही है बार बार। फिर सिंपल सी बात है, हम किसी के नखरे नहीं उठा करते, अगर प्यार से आकर के अगर कह दिया जाता है, अपनी बात रखी जाती है, गलत नहीं है तो मुझ पाने से क्या फायदा। उनकी एक शिकायत थी, मैसेज नहीं भेजा, मैसेज भिजवा दिया है, तो फिर क्या फायदा भाई। मैं दलित मुस्लिम एकता की बात कर रहा हूं, अगर घर में एक व्यक्ति, देश भर के मुसलमान सुन रहे हैं लाइव के माध्यम से भी, अगर देश भर के जो हमारे मुस्लिम साथी है उसमें एक बच्चा अगर गलत निकल जाए तो देश भर के मुसलमान थोड़ी ना गलत हो जाएंगे, सब बाबा साहब के बच्चे हैं, सारे थोड़ी ना गलत हो जाएंगे, सब बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, बाबा साहब इस दुनिया में नहीं है, बाबा साहब विश्व नहीं है, बाबा साहब भारत में नहीं है, तो मुसलमानों को तो दौड़ा दौड़ा करके मारा जाएगा। दलितों को मारा जाता था पहले, दलितों को पहले मारा जाता था, लेकिन हां अब हमने सीख लिया उंगली के बदले हाथ, और जो ये आंखें निकालते हमारी तरफ तो आंख के बदले आंख, और अगर कलम की ताकत में आओ तो भाई कलम की ताकत में भी आ जाओ। देश के मनुवादियों को बोल रहा हूं, कहीं पीछे नहीं है हम लोग, किसी के बाप से नहीं डरते हैं, हम किसी के बाप से नहीं डरते। बस बात बड़ी कहना चाहूंगा, चौधरी साहब खड़े हैं, मनोज चौधरी जी, वो वक्त भी पूरा आएगा जब बाबा साहब का जो सत्ता का सपना ना, वो भी बहुत जल्दी पूरा करेंगे हम लोग, तैयारी हमारी पूरी है, वो भी हम पूरा करेंगे। बस मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि पंचायत हुई है तो इसका रिजल्ट निकले, मैंने भाषण दे दिया, उसने भाषण दे दिया, उसने दे दिया, ऐसे नहीं, भाषण दे के सब घरे चले जाएंगे, हम लोगों को क्या जवाब देंगे जी, लोगों के फोन तो हमारे पास भी आ रहे हैं, सतपाल भाई क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला, हमें रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए। गांव के सरपंच साहब आप यहां आए, आकर के अपनी बात बताए, कोई गलत फहमी है तो वो बताए, अगर गलत फहमी नहीं है तो हमें संतुष्टि दे, यही होता है भाईचारा, वरना लड़ने को तो दो बिजार भी लड़ते हैं, लड़ने को तो बाबा साहब के बच्चे भी आपस में लड़ते हैं, लड़ने को मनुवादी और दलित भी लड़ रहे हैं, क्यों मनुवादियों का साथ दे रहे हो। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, भीमसेना जिंदाबाद।